नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने ना वेट लूज किया है, देख रहे हो। आय हाय, क्या बात है, कपड़े आपके ढीले हो जाए, मजा आ जाता है। ऐसे तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लूज पूज कपड़ों में भी अच्छा लगता है, लेकिन लूज पूज वो मैक्सी वाला लूज नहीं। मतलब तो जैसे अभी ये लूज हो गया ना, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड। तो मेरा जो वेट है ना, वो पड़ गया था, और चाह करके भी वो बोले जो चीजें थी ना, वो नहीं हो पा रही थी। इवन मैं वॉक पर डेली जाती हूँ, रनिंग भी मेरी होती रहती है, योगा मैं डेली करती हूँ, सारी चीजें मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पुट ऑन किया था, मैंने मतलब वो होता है ना, अरे जो खा खा के मोटे हो जाते हैं हम लोग, मतलब थोड़ा बहुत जंक खा लिया, बिना ही सोचे समझे खा लिया, और जो हमारी डाइट होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे जो ट्रेनर थे जब मैं जिम करती थी, अभी तो मैंने बिना जिम और बिना बहुत ज़्यादा वर्कआउट के वेट कम किया है, मैंने 5 किलो कम कर लिया। यस यस, मैंने 5 किलो कम किया है। कितने दिन में कम किया 5 किलो? मैंने 1 महीने में 5 किलो कम कर लिया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डाइट और बहुत ज़्यादा वर्कआउट दोनों चीज़ें शामिल नहीं की हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सोच समझ करके की हैं जो मैं पहले से भी करती थी। तो मेरे ट्रेनर ने कहा था 70% रूल होता है वो हमारी डाइट का होता है, 30% हमारा वर्कआउट कर रहा होता है। तो ये बात ना मेरे माइंड के अंदर इतने गंदे से बैठ गई है कि मेरा सबकॉन्शियस बोलता है, बेटा 70% पहले शुरू अगर तेरे को करना है ना, पहले तेरे को अपने डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जंक नो जंक, नो मीन्स नो जंक, नहीं खाना मैदा, नो मैदा मतलब नो मीन्स नो, ठीक है। शुगर, वाइट वाली शुगर, वाइट वाली शुगर नो, वाइट वाली शुगर वैसे भी मेरे घर में आती नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर जैसे किसी ने कुछ दे दिया, मीठा खाना हुआ तो मैं खा लेती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा नो मीन्स नो। वाइट शुगर कुछ बहुत फन्ने खा तो कर नहीं रही है मेरे शरीर के अंदर, बल्कि मुझे नुकसान ही पहुंचाती है, तो उसके बजाय बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं वो ले सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मीठा छोड़ दिया, मैंने जैगरी पाउडर, मैंने जो अंजीर, डेट्स, किशमिश, ऐसी ऐसी चीज़ों को शामिल किया। मुझे गुड़ बहुत पसंद है तो मैंने गुड़ शामिल कर दिया, मैंने अपनी चाय में भी गुड़, वैसे तो मेरे घर में शक्कर की बजाय जैगरी पाउडर ही यूज़ होता है, वाइट शुगर मेरे घर में यूज़ ही नहीं होती, रिफाइंड वाली शुगर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाहर यूज़ क्या बनता था तो मैं खा लेती थी। लेकिन इस महीने मैंने अपने आप को बोला शट अप, मुंह बंद रखो, नहीं खाना, ठीक है। तो एक काम मैंने ये किया, मैंने अपने डाइट के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया है, तो यस 70% उसने वो वर्क किया है। दूसरी चीज़, मैंने वाटर को अफर्म करके रोज डेली पिया है कि मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, फिट है, फिट है, तो ये भी मैंने किया है। आई एम स्लिम का भी मैं कभी कभार अफर्मेशन दे देती थी, तो ये भी मैंने किया है। और मैंने एक चीज़ और की थी इस बीच में, मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखा था कि मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, मैं स्लिम हो गई हूँ, मेरे कपड़े मुझे लूज हो गए हैं। ये मैंने ऐसे ही अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर 5-7 बार डाला है जब मैं अपनी हेल्थ के बारे में लिख रही थी। तो आपके सामने आज मैं 1 महीने के बाद हूँ, घर शिफ्ट किया है, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास में नहीं था कि मैं वर्कआउट्स लूँ, मैं बहुत ज़्यादा डाइट वाइट का ध्यान रखूँ, नहीं कर पाई हूँ। लेकिन यस, मैंने ये ज़रूर किया है, भले ही मैंने घर शिफ्ट किया है, भले ही मेरे ऊपर मेरे घर का सारा काम था, मुझे सब कुछ करना था, तब भी मैं 1 घंटा अपने लिए निकाल लेती थी कि मुझे वॉक पे जाना ही जाना है। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि मैं रनिंग नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटा वॉक जरूर करती थी। मैं अब भी करती हूँ, मैं आज भी जाऊँगी। तो ये मैंने किया और इस चीज़ का नतीजा मेरे सामने है, ठीक है। वाटर अफर्मेशन अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर उसको रखना, 70% जो डाइट वाली बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ले ली है, अब ये मेरे लिए लाइफ टाइम ही काम करने वाली है, और ये एक अच्छी बात है कि अच्छी बात है, मेरी डाइट वाली बात को मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ करके रख लिया है, क्योंकि इससे हेल्दी खाती हूँ मैं, अच्छा खाती हूँ मैं, सोच समझ के खाती हूँ मैं और ध्यान दे के खाती हूँ मैं कि कौन सी चीज़ एक्चुअली शरीर के लिए ठीक है, कौन सी चीज़ एक्चुअली कुछ वैल्यूज़ हैं जो मेरी बॉडी में ऐड कर रही है, कौन सी चीज़ एक्चुअली ज़रूरी है।
ना, तो वो सारी चीज़ें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने घी छोड़ दिया, मैंने फैट छोड़ दिया, नहीं, मैं गाय का जो देसी घी होता है वो कभी कभार अपनी चपाती पर लगा करके भी खाती हूँ। यस, मैंने पराठे जो थे वो अवॉइड कर दिए, मैंने पूरी कचौड़ी अवॉइड कर दी, मैंने जैसे जंक आपको बताया, जंक तो मैंने पूरी तरह से ही छोड़ दिया, वो अच्छा भी तो नहीं है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ थी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नॉनवेज खाती हूँ। नहीं नहीं मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा वंडा ये सब भी नहीं खाती हूँ। और अगर आप खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, तो इस चीज़ में बिल्कुल ही भी ये मत लगाइएगा अच्छा नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। आप अपने विचारों पर सिर्फ ध्यान दीजिए, वो जब आपका विचारों पर ध्यान जाता है आप अंदर से सात्विक होते चले जाते हैं, तो आप ऊपर से अपने आप ही धीरे धीरे करके सात्विक हो जाते हैं। भोजन छोड़ना, भोजन चुनना, ये बाहरी सात्विक होने की निशानी है। पहले आप अंदर से सात्विक होते हैं, उसके बाद ही आप बाहर पर आ पाते हैं। तो वो आपके विचारों से धीरे धीरे करके चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने ऐसे करके अपने वेट को लूज़ किया है। इसमें जो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता ही दी हैं कि एक्सट्रीम डाइट की भैया खाना ही नहीं खा रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने खाना खाया है लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके खाना खाया है, जैसे कि शुगर आपको मैंने बताया ही, बेकार का जो पूड़ी कचौड़ी टाइप की जो घर में भी चीज़ें बनती हैं वो भी मैंने नहीं खाई हैं। ये चीज़ें थी जो मैंने अवॉइड की हैं। बाकी इसके अलावा मैंने जो अपना नॉर्मल खाना होता है वो खाया है। और मैं डाइट पे हूँ या ना हूँ, मैं शाम को 7 बजे के बाद वैसे भी कुछ नहीं खाती हूँ, तो ये चीज़ ने मेरे लिए और ज़्यादा फ़ायदा कर ही दिया, क्योंकि मैं खा रही थी और जो मेरी कैलोरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा समझ समझ करके मैं ले रही थी, शुगर मैं छोड़ ही चुकी थी। तो ये आपके सामने रिजल्ट के तौर पर मैं हूँ, और मेरा कुर्ता है, मेरा कुर्ता सचमुच में बहुत ज़्यादा ही लूज हो गया है। और यार मैंने ना ये फंक्शन में पहनने के लिए खरीदा था, तब जाकर के फिटिंग का खरीदा था, और मुझे लगा कि अब नहीं पहनूंगी मैं, ये महंगा वासा लगेगा, मैं भी बैठी हूँ ना तो समझ नहीं आ रहा है मतलब मुझे वैसे बहुत ज्यादा एकदम फिटिंग के चटक चटक चपट चपट कपड़े पसंद नहीं है, मुझे थोड़े बहुत लूज ही पसंद है, लेकिन इतने भी लूज पसंद नहीं है, समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। एनीवे तो ये थी मेरी एक और सक्सेस स्टोरी। हाँ चलो, मेरी गई है बैक टू बैक ये सक्सेस स्टोरी, ठीक है, घर वाली और वेट को कम करने वाली। हाँ एक चीज और मैंने की थी, मेरे घर में ना सीढ़ियां बहुत हैं इस वाले घर में, मतलब मुझे नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आना होता है, फर्स्ट फ्लोर से फिर टॉप फ्लोर पर आना होता है, तो ये बहुत ऊपर नीचे किया मैंने, और मैं जानबूझ के करती थी, मैं जानबूझ कर दो सामान नीचे छोड़ कर आती थी, फिर से जाऊंगी, फिर से आऊँ, फिर से जाऊंगी, फिर से आऊंगी। तो ये आप एक वर्कआउट के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन ये घर की सफाई वाले वर्कआउट में ऐड हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 2 बैग लेकर के जाने हैं ना, तो मैं एक बैग नीचे ही छोड़ देती थी कि मैं एक रख के आती हूँ, जबकि मेरा एक हाथ खाली था। लेकिन देखो मैं कितनी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ अपने लिए भी, मैंने ऐसा किया और मैं नीचे जाती थी और ऊपर आती थी। तो इस तरह से मैंने और जो थी मेरी कैलोरीज को बर्न किया, 1 घंटा वॉक किया उसमें भी बर्न किया, घर का ढेर सारा काम किया उसमें भी बर्न किया, और एक्स्ट्रा जो कैलोरीज मैं ले रही थी जो इनटेक हो रहा था उसको मैंने बंद किया, तो उससे मुझे 5 किलो का आराम मिल गया। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रही हूँ, सच्ची में हल्का फील कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें मैंने ये वाली बात लिखती थी, और आज वो वाली बात को मैं महसूस कर रही हूँ। अपने में रखिए ख्याल, अपने उसी चीज़ ढेर सारा प्यार, तो अट्रैक्ट कर रही थी सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।